वेलकम टू द पॉलिटी सीरीज ऑफ स्टडी आई क्यू आई अमित किलोर वी आर डूइंग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और आज का हमारा जो टॉपिक होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन होगा हम चैप्टर वाइज लक्ष्मीकांत को कर रहे हैं एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 67 ऑफ द सीरीज हवेवर अगर हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर के एनोलॉगिस्ट बात करेंगे तो चैप्टर नंबर सिक्सटी डिस्कस इज देंट्र ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस किया जा रहा है जिसमें सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो डिपार्टमेंट है वो काफी यूनिक स्पेस प्ले करता है मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमें टोटल जो तीन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको करप्शन के लिए बनाया गया है उन सबको एक साथ इकट्ठे कॉन्सोनेंस में पढ़ना है वो दूसरे से एसोसिएटेड है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि हम चैप्टर नंबर 66 में कर चुके हैं उसके बाद सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड देन दी लोकपाल एंड दी लोकायुक्त ये तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि इन तीनों का पर्पस है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज अगर करप्शन करें तो उनको कैसे रोका जा सकता है उन पर इन्वेस्टिगेट क्या करना है उनको पकड़ा कैसे जाए उनके अगेंस्ट क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है CVC oversees the CBI. CBI is basically the investigative department. जब CVC Act, जब CVC का जो कानून बनाया गया था पहले CVC एक executive resolution से बनाई गई थी 1964 में बाद में 2004 में 2003 में एक कानून बना के इसको statutory status दे दिया गया जब इसको amend किया गया था तो उसमें CBI से संबंधित भी कुछ amendment हुए थे के के अंदर, लोकपाल और लोकायुक्त बना था, तब भी बेसिकली कुछ कुछ हुए थे, CBI के में, उन, उन में कुछ थे। जिससे कार्रवाई में उनमें आए अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट होता है तो उससे भी सीबीआई के ऊपर असर होता है तो ये तीनों की तीनों चीजें ये तीनों के तीनों लेक्चर 66, 67 और 68 एट स्पॉन्डिंग टू दी लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर फिफ्टी नाइन सिक्सटी एंड सिक्सटी वन ये तीनों के तीनों एक कॉन्जोनेंस में सुनने है, पढ़ने हैं इसके साथ साथ एक सिमिलर साउंडिंग जिनका काम थोड़ा सा ओवरलैप करता है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और सी बी आई का काम सिमिलर साउंड होता है लेकिन खास फर्क उसके अंदर यह है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो दो हजार आठ में बनाई गई थी और थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड है स्पेशलाइज इन द सेंस की जो आतंकवाद से टेररिज्म से संबंधित एसोसिएटेड जो इश्यूज होते हैं वो उनको इन्वेस्टिगेट करती है उनको फोकस करती है रेस्ट करप्शन के इकोनॉमिक करप्शन के जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं रेप हो गया मर्डर हो गया उन सबको जो इन्वेस्टिगेशन किया करता है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करती है नाउ वाई आई से इट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज सारी की सारी हम जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर रहे हैं उसमें सीबीआई का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटस है सीबीआई इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेटुटरी बॉडी यानी कि कोई भी लॉ नहीं है हम जितनी भी बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वो सारी की सारी स्टेटूटरी होती है स्टेटुटरी या फिर एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई यानी कि कोई ना कोई लॉ ऐसा होता है जो कि उनको कॉरस्पॉन्ड करता है जिसको कि पार्लियामेंट ने बनाया है सीबीआई इज एन ऑर्गेजेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इट्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इट्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सेकंड इट इज ऑल्सो नॉन स्टेटरी इसके लिए कोई पार्लियामेंट ने लॉ भी नहीं बनाया है ऐसा इसलिए होता है क्यों हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे लेट स्टार्ट की इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारी केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अगर किसी भी क्राइम के बीच में जब कोई हाइप क्रिएट हो जाता है सोशल मीडिया पर फैलती है बात और स्टेट पुलिस उसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं करती है तो जो लास्ट वेशन है जहां पर जस्टिस मिलने की संभावना है या क्रिमिनल को पकड़ने की आशंका लगाई जाती है दैट इज सी अगर सीबीआई को केस चला जाता है तो एटलीस्ट ऐसी धारणा है कि शायद इम्पार्शल न्यूट्रलिटी के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी एंड बिकॉज दे हैव द रिसोर्सिस विल बी एबल टू कैच दी प्राइम है, उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेड है करते हैं इसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है सीबीआई ये कंफ्यूजन यह बार बार हम डिस्कस इसलिए करते हैं देखो जब हम चीजों को समझते हैं तो जो पुलिस है पुलिस का जो काम है उस वो है देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना दैट जॉब परटेन्स टू दी होम मिनिस्टर ठीक है तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कोई भी स्टूडेंट लॉजिकली ये सोचने की कोशिश करता है कि व्हेन इट कम्स टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्राइम एंड ऑल दिस ये सब कुछ होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अंदर आता है लेकिन कुछ कुछ चीजें एग्जैक्टली लॉजिक एग्जैक्टली वर्ड्स के ऊपर बेस्ड नहीं होती है तो यहां पर इसीलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि सी बी आई इन इट्स जॉब इट इज एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली रिलेटेड टू होम मिनिस्ट्री हाउ एवर द डिपार्टमेंट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांज एंड द पेंशन क्योंकि नाम से अगर आप देखोगे पर्सनल है पब्लिक ग्रीवांज है और पेंशन इस नाम से क्राइम या इन्वेस्टिगेशन का कोई एसोसिएशन नहीं होता है तो इसीलिए याद करना ज़्यादा जरूरी है बल्कि एक्चुअली में दिस मेक्स इट ईजियर क्योंकि यहां पे थोड़ा सा आउटलाइन हो जाता है कि ओके दिस मेक्स सेंस की सी बी आई होम मिनिस्ट्री में नहीं आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीफांसिस एंड पेंशन पे आती है ये बात ध्यान रखेंगे सबसे पहले ये सेट हुई थी ब्राइबरी और गवर्नमेंटल करप्शन रोकने के लिए 1965 में इसको और एक्सपेंड कर दिया गया तो जब बनी थी पहले था कि भाई जो ब्राइबरी है गवर्नमेंट के अंदर करप्शन होती है उसको रोकेगी 1965 में इसका मैंडेट बढ़ा दिया गया कि अगर कोई भी सेंट्रल लॉ ब्रीच हो जाता है उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगी मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम देश के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए अगर किसी भी स्टेट में राज्य में कोई क्राइम होता है तो वो उस जूजिस की जो स्टेट होती है वो हैंडल करती है बट देन सर्टेन क्राइम्स आर जो कि स्टेट के बॉर्डर्स फॉलो नहीं करते तो जो ये मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम होता है जिसके अंदर ड्रग्स आ जाते हैं जिसके अंदर एक्सटॉर्शन आ जाता है किडनेपिंग आ जाता है ऐसे क्राइम को हैंडल करने के लिए एक सिंगल सेंट्रल एजेंसी चाहिए थी जो कि मल्टीपल स्टेट्स के बीच में कोर्डिनेट कर सके वी फिगर्ड आउट इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव दट सी बी आई माइट बी दैट ऑर्गेनाइजेशन मल्टी एजेंसी और कोई भी इंटरनेशनल केसेस जो होते हैं उनको देखता है सीबीआई हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट पुलिस के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी और प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेवरल इकोनॉमिक क्राइम्स स्पेशल क्राइम्स करप्शन के केसेस को भी देखती है अब हम जब भी देखेंगे ये सारी की सारी चीजें हमें चार ऑर्गेनाइजेशंस के पैरेलल में देखना है सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीआई लोकपाल एंड लोकायुक्त एंड दी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसमें से सबसे आसान है इट्स वेरी स्पेसिफिक आतंकवाद से टेररिज्म से एसोसिएटेड केसेस दैट इज इट उसका मैंडेट स्पेसिफिक है इजी हो गया सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग वो क्राइम को नहीं देखता है वो करप्शन को देखता है अगर कोई क्राइम का केस होगा तो सीवीसी विल नॉट बी इन्वॉल्व इट इज इन्वॉल्व विद द करप्शन केसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई का मैंडेट सबसे ज्यादा वाइड है इसके अंदर जिसमें वो क्राइम इकोनॉमिक क्राइम करप्शन के बड़े सारे से केसेस को हैंडल करती है जैसे हमने सीबीसी के चैप्टर में देखा था कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है वो आर इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं आता है उसी प्रकार से सीबीआई आल्सो एग्जेप्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आप सीबीआई के ऑफिस में किसी भी प्रकार की राइट टू इंफॉर्मेशन की पेटिशन नहीं डाल सकते हैं सेकेंड दिस इज इंटरेस्टिंग और इसको याद रखिएगा इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल जो होती है हर एक कंट्री की पुलिस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है इंटरपोल के के द्वारा इंडिया तो वो सीबीआईन से करतेज नोडल एजेंसी ऑफ द इंटरपोल ऑफ इंडिया इजिल आइडेंटिफाइबल है याद रहे इट्स सिंपल क्वेश्चन इंटरपोल का नोडल एजेंसी कौन है इंडियन इंडियन

बहुत बड़ी जजमेंट है उनके लॉजिक क्या थे हमें उसके बारे में जानने का जरूरी नहीं है बट ये बात आइडेंटिफाई कीजिए कि सीबीआई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड है बट अगेन इमीजिएटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड कर दिया दे द वर्डिक्ट ठीक है उस वर्डिक्ट को स्टे कर दिया गया था अब सवाल यह है कि तब से लेके आज तक उस वर्डिक्ट को स्टे किया हुआ है ये केस कभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकता है सो देर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि सीबीआई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है लेकिन ऐसा कोई क्राइसिस की सिचुएशन नहीं है उससे पहले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेसिकली सॉल्यूशन यही है कि भाई गवर्नमेंट एक लॉ फॉर्मुलेट करे और सीबीआई को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दे दैट इज द ओनली सॉल्यूशन व्हिच द गवर्नमेंट हैव वो इजीली इसको कर भी सकते हैं सो नथिंग अबाउट द मतलब इसमें कोई क्राइसिस की सिचुएशन नहीं है बट जस्ट टू अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट फेसेट कि 2013 में सीबीआई को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बोला कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये एक असंवैधानिक इसको कोई लीगल स्टेटस नहीं है ये है क्यों इस पे स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने एंड इन केस दिस केस अनफोल्ड्स तो दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि गवर् सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ठीक है इट्स अ लीगल एंटिटी नॉट एन इशू इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी होल्ड कर सकते हैं इफ दे बाय इनटू टू दर्गूमेंट्स ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट बट इन बोथ दी सीनेरियोज गवर्नमेंट हैव दी पॉसिबिलिटी कि पार्लियामेंट जाएंगे वो सी के लिए एक लॉ बना देंगे स्टेटुटरी लॉ बना देंगे अब ये क्या इशू है वाई इज इट नॉन स्टेटुटरी इसके बारे में बात करते हैं ठीक है ठीके? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वॉज सेटअप इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी थ्री बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एज ए टोल ड्यू ना कंफ्यूजन होना बनता है क्योंकि काम तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है गृह मंत्रालय का है इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस से एसोसिएटेड लॉ एंड ऑर्डर से एसोसिएटेड जो इश्यूज है वो होम मिनिस्ट्री करती है तो सीबीआई बनाई तो होम मिनिस्ट्री ने बट इट इज नॉट अंडर होम मिनिस्ट्री राइट नाउ तो डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर अच्छा लेटर इट वॉज ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और अब बेसिकली एक अटैच ऑफिस माना जाता है मिनिस्ट्री का पर्सनल का इसके कोई रीजन रहे होंगे लेकिन हमें उसके अंदर जाना जरूरी नहीं है द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सेटअप इन 1941 फोर्टी वन वॉज ऑल्सो मर्ज विदीबीआई उन्नीस सौ इकतालीस के समय में वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी ब्रिटिशर्स जो वर्ल्ड वॉर के बीच में जो करप्शन हो रही थी उसको रोकने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया था उस समय ब्रिटिशर्स ने बनाया स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट तो सी बी आई कैसे बनी है सीबीआई सी बी आई बनने से पहले आपको यह भी याद रखना होगा कि सीबीसी कैसे बना था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैसे बना था संथानम कमेटी एक संथानम कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा जिसको करप्शन के ऊपर डिटेल्स देनी थी और एडवाइस करना था गवर्नमेंट को कि करप्शन के ऊपर क्या किया जाए इन्होंने दो एडवाइस दी इनकी दोनों एडवाइस पे मान काम कर दिया गया सबसे पहले सीवीसी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप कर दिया गया दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से सीबीआई सेटअप कर दी ठीक है ये सीवीसी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी थी इट वॉज अ नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी क्योंकि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन का मतलब यह गवर्नमेंट ने जो रेजोल्यूशन से बना दिया जैसे कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया उसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन कहेंगे मिनिस्ट्री ने कोई डिसीजन ले लिया उसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन कहेंगे पार्लियामेंट में नहीं गए थे बस इतनी बात होती है ये दो में इसको एक नया लॉ बना दिया गया और इसको कर दिया स्टेटोरी स्टेटस इसको स्टेटूटोरी स्टेटस मिल गया सीबीआई को अभी तक नहीं मिला है स्टेटूटोरी स्टेटस यानी कि सीबीआई नॉन स्टेटोरी बॉडी है मोर इंपॉर्टेंटली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसको एग्जीक्यूटिव ने बनाया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल से भी बाहर है इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि सीबीआई बनी है 1963 के अंदर सीबीआई बनी है 1963 के अंदर 1963 के अंदर बनने से साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ने बनाई होम मिनिस्ट्री की लेकिन इससे पहले पहले एक डेली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक ऑफिस था जो कि करप्शन के केसेस देखा करता था तो इन दोनों को ना मिक्स कर दिया गया इकट्ठे एक, एक दूसरे के साथ एनहेंस दी बी आई के अब जो ये पुलिस एस्टेब्लिशमेंट था ये बनाया था अंग्रेजों ने जिसके लिए एक्ट एग्जिस्ट करता है डेहली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कि 1946 का एक्ट है तो राइट नाउ सी बी आई फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एन एक्ट विच वॉज नॉट मेड बाई द इंडियन पार्लियामेंट DPSC, hence extra hence non कि, speaking, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए लॉ के ऊपर चलती है तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो होगी होगी नॉन स्टेटरी भी होगी स्टेटुटरी सिर्फ वो बॉडी होती है जिसको इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया हो मतलब इन इंडियन कॉन्टेक्स मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया तो वो ब्रिटिश में उसको स्टैटूटरी उसको ब्रिटेन में स्टैचुटरी कहेंगे यूएस ने बनाया तो यूएस में स्टैचुटरी बॉडी कहेंगे इंडिया में नहीं कहेंगे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सी बी आई बेसिकली संथानम कमेटी ऑन दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ने रेकमेंड किया था उन्होंने ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रेकमेंड किया था तो दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इसकी रेकमेंडेशन पे कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी सीबीआई इज नॉट अ स्टेटुटरी बॉडी क्यों क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं वो डेही स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स से की जाती है एंड यू कैन नाउ अगेन अंडरस्टैंड कि सीबीआई एक बॉडी बनाई गई थी प्री स्टैब्लिश डिपार्टमेंट था इसको इसके साथ कोलेट कर दिया गया था कंबाइंड कर दिया गया था तो दो बॉडी होगी सीबीआई उसके अंदर एक ऑफिस भी उसके अंदर एक डिपार्टमेंट भी है जो कि डेली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है और इन दोनों के ऊपर इन दोनों में कौन डायरेक्टर होगा कैसे काम करेंगे क्या क्या काम कर सकते हैं इसका जो मैंडेट था वो मैंडेट डेली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से लिया जाता है विच दो इट इज एन एक्ट इट इज अ लॉ बट इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द इंडियन सीम्स लाइक प्लान सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है और करप्शन में और एडमिनिस्ट्रेशन की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए काम करती है साथ ही साथ ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल को ये तीनों के तीनों एसोसिएटेड है लोकपाल एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का फोकस है करप्शन को रोकना बट दे डू नॉट हैव द इन्वेस्टिगेटिव पावर इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिसर्स हैं वो सीबीआई के अंदर होते हैं साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखिए कि असिस्टेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये मतलब नहीं है कि सीबीआई असिस्ट करती है एक्चुअली में सीबीआई फंक्शंस अंडर द सीवीसी सीवीसी उसको गाइड करता है सीबीआई को फंक्शन करने के लिए तो हायर में देखा जाए तो मॉरली सीवीसी इज सुपीरियर बट एग्जीक्यूटिवली सीबीआई इज मोर पावरफुल और उनके पास ज्यादा एजेंसी है ज ए डिफरेंस इसके साथ साथ में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सी बी आई में क्या फर्क है सी बी आई तो बन गई थी नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी थ्री में सो वी आर वेल अवेयर ये तो काफी पुरानी है लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बनी थी वो दो हजार आठ में जो मुंबई के ऊपर टेरर अटैक्स हुए थे उसके बाद बनाई गई थी एंड बिकॉज इट वॉज स्पेसिफिकली मेड ड्यू टू दो फोकस बहुत ही क्लियर है कि इट वॉज ओनली फोकसिंग ऑन दी इंसिडेंट्स ऑफ द टेररिस्ट अटैक्स फंडिंग ऑफ टेररिज्म या अदर टेरर रिलेटेड क्राइम सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर फोकस करते हैं जबकि सी बी आई जो है करप्शन से असोसिएटेड क्राइम हो इकोनॉमिक रिलेटेड ऑफेंसिस हो सीरियस या ऑर्गेनाइज क्राइम हो अदर देन टेररिज्म टेररिज्म ऑल्सो ए सीरियस क्राइम बट अदर देन टेररिज्म जो भी सीरियस क्राइम्स होते हैं उनको सी बी आई इन्वेस्टिगेट करती है प्रेजेंटली सीबीआई में 2019 में अगर हम काउंट करें तो सीबीआई के टोटल सात डिवीजन है एक हो गया एंटी करप्शन डिवीजन यानी कि अलग से सिर्फ और सिर्फ करप्शन के डिपार्टमेंट को हैंडल करती है देन इकोनॉमिक ऑफेंसिस डिवीजन पैसा अभी ये दोनों ये सब ओवरलैप करता है ऐसा नहीं है करप्शन कर रहे तो उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा ऐसा तो नहीं हो सकता बट यू अंडरस्टैंड द गेम कि इकोनॉमिक ऑफेंसिस को स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है दिस इज स्पेशल क्राइम्स डिवीजन पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड दी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट एनी ऑफ इट यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि सीबीआई एक बड़ा सारा सा ऑफिस है और उसके अंदर टोटल सात सब ऑफिस है इकोनॉमिक ऑफेंसिस के लिए अलग है एंटी करप्शन के लिए अलग है स्पेशल क्राइम्स डिवीजन एंड ऑल स्पेशलिटी के लिए है अब कोई अब जैसे कोई क्राइम का मुद्दा आ गया कोई मेजर क्राइम का मुद्दा आ गया सीरियस क्राइम का मुद्दा आ गया तो ऑब्वियसली यू कैन ईजिली इमेजिन कि वो स्पेशल क्राइम डिवीजन में चला जाएगा ना कि एंटी करप्शन डिवीजन में बिकॉज बोथ ऑफ दी क्राइम्स आर बाई नेचर वेरी डिफरेंट राइट जिसको करप्शन के केसेज हैंडल करने आते हों स्पेशलिटी हो एक्सपर्टीज़ हो उसके अलावा उसको क्राइम के केसेस अगर दे दिए जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी तो इसलिए स्पेशलिटी और डिवीजन ऑफ लेबर के लिए अलग अलग सीबीआई बी के लिए काम करती है सारे डिपार्टमेंट इसी प्रकार से करते हैं सीबीआई को एक डायरेक्टर हेड करता है द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई उसको कहते हैं उसके साथ साथ उसके पास स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर भी हो सकते हैं कोई लिमिट नहीं है कोई नाम नहीं कोई ऐसा नहीं है इट हैज ए नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स होते हैं सुप्रिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस होते हैं और जो दूसरे पुलिस पर्सनल के जो यूजल रैंक्स होते हैं बेसिकली पांच से भी अधिक स्टाफ मेंबर्स है एक के करीब फॉरेंसिक साइंटिस्ट ढाई लॉ ऑफिसर्स क्योंकि देखो अलग से एक डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है भाई क्राइम में अगर आप पकड़ेंगे तो टेक्निकली मेन काम तो ये भी है ना कि उसको जाके कोर्ट में प्रूव ही करना है प्रोसिक्यूट जब तक नहीं कर दोगे तो काम खत्म नहीं होगा तो अलग से 250 सौ ऑफिसर है अगेन यू नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू कि उनका स्टाफ का मेंबर कितना है जस्ट वो अंडरस्टैंड दीबीआई ठीक है सीबीआई का मतलब अब जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई होता है एज दी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उसको कहा जाता है डेली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन अब दो लॉ है दो हजार तीन में पारित हुआ था उसमें कुछ अमेंडमेंट हुई तो उसमें सीबीआई में फर्क पड़ा था और लोकपाल में कुछ अमेंडमेंट हुई थी तो इसमें फर्क पड़ा था और अगर डेली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट होती है तो सीबीआई को चेंज आता है यह बात ध्यान रखिए कि आजादी से बना हुआ पहले वाला जो लॉ है वो उसके हिसाब से कोई बॉडी बनेगी तो उसको नॉन स्टेटोरी बॉडी कहा जाएगा लेकिन आजादी से पहले जो भी लॉ बना है उसको इंडियन पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है राइट right? जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड है इट वाज मेड बिफोर 1947, बिफोर 1950, बिफोर द फर्स्ट इंडियन पार्लियामेंट बट वी कैन अमेंड इट नाउ नॉट एन इशू तो डेली पुलिस स्पेशल स्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है वो तो बना तो 1946 में है इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया नहीं है बट इंडियन पार्लियामेंट है पावर टू अमेंड एवरी सिंगल लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया तो पहले बनने की वजह से उससे कोई बॉडी आ रही है तो वो नॉन स्टेट्यूटरी होगी क्यों क्योंकि वो लॉ बनाया तो पार्लियामेंट ने नहीं है बट दैट पार्लियमेंट दैट लॉ कैन बी अमेंडेड बाय इंडियन पार्लियामेंट फैक्ट है सिंपल क्लियर है ठीक है तो सीबीसी एक्ट जब दो में बना तो सुपरी ऑफ डेली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वेस्ट विद देंट्रल गवर्नमेंट इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइन एट विच दी इंटेंडेंस विजिलेंस कमीशन तो क्या हुआ सीवीसी एक्ट बना जहां पे हमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाना था जो कि करप्शन करप्शन के अगेंस्ट एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनानी थी तो जब वो एक्ट बना तो उसने दो चीजों को डिवाइड कर दिया कि जो दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो क्राइम आएंगे उसकी सुप्री तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ठीक है बट जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऑफ 1988 एक्ट है उसके अंदर जो क्राइम आएंगे उसकी सुपरिंटेंडेंस सीवीसी करेगी व्हाई इट इज डन हमने सीवीसी के लेक्चर में ये बात देखी थी कि सीवीसी इज फ्री ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ठीक है, एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज फ्री करने के लिए उसका जो डोमेन है वो क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है तो सीवीसी का एक्ट बनता है 2003 में पहले से सीबीआई बनी हुई है तो सीबीआई इसके तह, इसके अंदर काम करती है लेकिन इसमें थोड़ा सा काम डिवाइडेड है सीबीआई जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इस एक्ट के अंदर जो जो चीजें करप्टेड करप्शन मानी जाती हैं जब उसको इन्वेस्टिगेट करेगी तो सीबीसी की देखरेख में करेगी और जब डीपीएसपी डेली पुलिस स्पेशल डेली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट डीएसपी जब इसके अंडर कोई भी जो डिफाइंड क्राइम है उसको काम करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की विजिलेंस में करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की सुपर में करेगी इट्स कंफ्यूजिंग नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू इट इज जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने की बात है कि सीबीआई का काम डिवाइडेड है एक सेक्शन ऑफ काम है जिसको सीवीसी सुपर करता है एक सेक्शन ऑफ काम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट करता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से एसोसिएटेड जो काम है उसको सीवीसी सुपर करता है बाकी जो डीपीएसपी दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से एसोसिएटेड जो भी क्राइम्स होते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरिंटेंडेंट करता है डिवाइडेड काम है बॉडी एक है लेकिन दो जंगों पर डिवाइडेड है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ टू ईयर एन एक बार अगर बनने तो कम से कम मिनिमम ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम दो साल के लिए तो वो डायरेक्टर बनते ही बनते हैं लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट दो बना तो उसमें एक और अमेंडमेंट कर दी गई उस समय पुलिस, पुलिस क्या 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 सबसे पहले अपॉइंटमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अपौइंट करती है सीबीआई के डायरेक्टर को बट अब वहां पर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपनी से करती थी लेकिन अब अपॉइंट करेगी तो तीन मेंबर कमेटी के बेसिस पर करेगी प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर बेसिकली कोई एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो कि चीफ जस्टिस बोल सकते हैं अगर वो खुद अवेलेबल नहीं है ये याद करना जरूरी है क्योंकि दिस विल बी लाइक एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है जिसके अंदर जुडिशरी को स्पेसिफिकली लाया गया है न्यूट्रैलिटी के लिए राइट right? और कोई अपने अभी तक हमने कोई ऐसी बॉडी नहीं पढ़ी है जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थ्री मेंबर कमेटी के अपॉइंटमेंट की मेंबर अपॉइंटमेंट की कमेटी के मेंबर होते हो राइट आज से पहले यूजुअली या तो प्राइम मिनिस्टर थे लीडर ऑफ अपोजिशन को रखा जाता है या फिर होम मिनिस्टर को रख लिया जाता है इसमें स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीबीआई के डायरेक्टर को जब इलेक्ट किया जब अपॉइंट किया जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन दैट कमेटी ये जो चेंज था ये बेसिकली 2013 में हुआ था लोकपाल एक्ट के तहत लेटर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में एक और अमेंडमेंट किया गया 2014 में दोबारा से एक और अमेंडमेंट किया गया उसमें ये जो कमेटी का कंपोजिशन था इसमें चेंज किया गया था अब क्या हुआ कि 2014 में जब इलेक्शन हुए तो हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा में वो आए नहीं लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन वो होता है जिसके पास मिनिमम नहीं तो 10 परसेंट सीटें होनी चाहिए लेकिन 2014 के इलेक्शंस के बाद आज तक अभी तक आ, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लोकसभा के अंदर क्यों क्योंकि किसी भी पार्टी के पास अपोजिशन पार्टी के पास 10 प्रतिशत से अधिक सीटें नहीं है लोकसभा में सो टिल नाउ वी इन लास्ट एटी सेवन टू एट ईयर्स वी हैव हैड नो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी पहली बार ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था तो किसी ने सोचा नहीं था बट अब जब ऐसी पहली बार सिचुएशन क्रिएट हो गई देन दे फाइनली डिसाइडेड कि जरूरी नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है तो ठीक है अगर नहीं है तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है लोकसभा में उन्हीं का जो लीडर है उसको मेंबर ऑफ लोकसभा को बना देंगे ठीक है सिंपल बात है सीबीआई करती क्या है करप्शन के ब्राइबरी के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के मिसकंडक्ट के जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है अब देखो कितना वाइड है सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं फिजिकल और इकोनॉमिक लॉज के इनफ्रिंजमेंट कोई भी ऐसा लॉ का ब्रीच होता है विच कंसर्न्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल कस्टम्स सेंट्रल एक्साइज इनकम टैक्स फॉरन एक्सचेंज रेगोल्यूशन एन जोन बहुत ही ज्यादा मतलब हर एक इकोनॉमिक ऑफेंसिस इनकी इन्वेस्टिगेटिव पावर के अंदर इंक्लूड किया हुआ है बट यूजली ऐसे केसेज कंसल्टेशन या डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पर लिए जाते हैं बट स्टिल इट इज़ ए वेरी वाइड इन्वेस्टिगेटिव पावर उसके साथ साथ कोई भी सीरियस क्राइम्स जिसकी नेशनल या इंटरनेशनल रेमिफिकेशन हो सकती हैं या ऑर्गेनाइज गैंग्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स अगर कोई ऐसा क्राइम करते हैं तो उनको हैंडल करता है हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिटीगेशन मल्टीडिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है करप्शन रिलेटेड क्राइम्स इकोनॉमिक ऑफेंसेस और कन्वेंशनल क्राइम सारे के सारे मतलब इट्स वाइड इट्स वेरी वाइड एक्सेप्ट टेररिज्म बेसिकली सब कुछ हैंडल करते हैं वो यूजुअली इनकी जो एक्टिविटीज है वो एंटी करप्शन फील्ड में इन्वॉल्व है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जो अगर करप्शन कर रहे हैं तो उनको सीबीआई इन जनरल हैंडल नहीं करती है लेकिन जरूरत पड़ने पर जो कन्वेंशनल क्राइम्स है जैसे कि मर्डर किडनैपिंग रेप हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट उनको रेफर कर सकती है या फिर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन रेफर दैट स्पेसिफिक केस टू सीबीआई यही बात हम एक्चुअली सीबीआई के बारे में एक्चुअली में हम यही वाली बात इन जनरल पॉप कल्चर में जानते हैं कि भाई ये केस सीबीआई को दे दिया गया ये केस की स्टेट स्टेट गवर्नमेंट से आशा नहीं की जा रही थी कि दे विल बी एबल टू इन्वेस्टिगेट इट वेरी वेल सो दिस केस वॉज गिवन टू दीबीआई दिस इज वट वी हैव जनरली सीन और हर्ड इन द न्यूज सो ये एक्चुअली में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल कोई भी केस हो जाता है एनी काइंड ऑफ केस कन्वेंशनल क्राइम का केस जो कि यूजुअली पुलिस हैंडल कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट की बट वैन उसकी रेमिफिकेशन सोशल रेमिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है या फिर ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो जाता है तो उसको बेसिकली सी को दे दिया जाता है कोई भी केस हो सकता है दोनों तरीके से जाते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद रेफर कर दे इट इज़ इजीली या फिर अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी रेफर कर सकती है सो दैट इज़ इट एज ई दोनों तरीके से इनके पास ये केस चले जा सकते हैं सीबीआई के साथ साथ ये बात ध्यान रखना जो कि मैं बता चुका हूं प्रीलिम्स का छोटा सा क्वेश्चन है इट इज दी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल तो वर्ल्ड की जितनी भी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सपोज करो फ्रांस का कोई ऐसा केस हो गया फ्रांस में कोई मर्डर कर, कर भारत भाग आया। तो अब उसको कैसे पकड़ेंगे तो फ्रांस की पुलिस को इंडियन पुलिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा थ्रू द इंटरपोल अब वो इंटरपोल का हम हम किसे में से से कौन ऑर्गेनाइजेशन को फोन करेंगे वो दे विल बी कनेक्टिंग विद सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कनेक्ट करेंगे एंड देन दे विल ट्राई टू लुक आउट फॉर दैट फ्रेंच पर्सन हैव कमिटेड मर्डर इन देयर कंट्री और हम इसको पकड़ लेंगे फिर इंटरपोल विंग ऑफ द सीबीआई कोऑर्डिनेट रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड एक्टिविटीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडियन लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड देंबर कंट्रीज ऑफ द इंटरपोल दोनों तरीके से इतना सा सरल सा है इसके साथ साथ एक और करप्शन रिलेटेड बॉडी है लोकपाल एंड लोकायुक्त विल बी डूइंग इन दैक्स लेक्चर आई सी यू टूम